लिया, जिसको भी चुरा के लेके जाना था चुरा के लेके चला गया। बैंगलोर टू पॉन्डिचेरी टाइम हो रहा है 8 अभी सुबह के, और वैसे भी सुबह सुबह मैं पढ़ाती, काम तो हो ही गया है तो अब क्या ही बाकी रह गया। मैं इससे अच्छा कल निकलूँगा। ओहो, मेरे ग्लव्स कहाँ गए? ये ख़राब लगता है मुझे। फर्स्ट टाइम है जो मैंने ये गार्डियन गियर्स का टेल बैग और टैंक बैग लगाया मेरी बाइक पे, तो इसीलिए मुझे रोक के चेक करना पड़ा कि ठीक से है, तो क्योंकि यार उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरा लैपटॉप है, बहुत सारा और भी कुछ क्या बोलते हैं महंगे महंगे चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहता कुछ हो जाए, तो इसीलिए चेक कर लेना बेहतर होता है, इसीलिए रोक के चेक करा था। सबसे पहले तो फ्यूल भरवाना है, मेरे घर से निकले बस 1 किलोमीटर ही हुआ है मुझे, वैसे निकलना तो था सुबह 6 बजे बट हो गया लेट, क्या करें क्योंकि सुबह से बारिश मतलब ड्रिजलिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो ऐसे टाइम पे मैं निकलना नहीं चाहता था, तो इसीलिए आई वॉज वेटिंग। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है, 1-2 घंटा लेट निकल जाने से कुछ नहीं होने वाला, बट नींद हो जाना चाहिए अच्छे से। पहले फ्यूल डलवाता है, फ्यूल थैंकफुल मारा थैंकफुल। आपने देख लिया ठीक, 1000 का फ्यूल पकड़ा इसमें, बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, तो शायद वही रिजर्व पे होगा 100-150-200 का फ्यूल होगा इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा नॉट मोर देन दैट। तो अभी आप सबको तो पता है ही कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं पांडिचेरी, बैंगलोर टू पांडिचेरी टाइम हो रहा है 8 अभी सुबह के, तो आज तारीख आके 3 है, 3 तारीख सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं पांडिचेरी। तो वैसे जाना तो मुझे कहीं और ही था, मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था पांडिचेरी की तरफ, क्योंकि जहाँ मैं जाना चाहता था वो जगह जाने के लिए मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था, बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ओहो मेरे ग्लव्स कहाँ गए? ये ख़राब लगता है मुझे। तो यहाँ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरे पास ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स गिर चुके हैं, तो मैं तुरंत गाड़ी घुमा, हार्डली 2-3 मिनट हुआ होगा, 2 मिनट हुआ होगा मैक्सिमम, तो मैं वापस घूम के गया और जो रोड जा रहा हूँ जहाँ पे अभी मैं ऐसे राइट लूंगा, ये बिल्कुल राइट के आसपास ही कहीं पे गिरा था, बट था नहीं, 2 मिनट में पता नहीं वो किसने उठा लिया और कौन लेके चला गया। अब सबको आजकल पता है कि गियर्स हैं, राइडिंग गियर्स हैं, महंगे आते हैं ये वो, तो लोग भी ऐसे लालची काम करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो जमीन तो निकल नहीं सकती उसको, ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी ने तो उठाया है, तो अब उठा लिया तो उठा लिया। मैं बस क्रॉस चेक करने के लिए आई वेंट बैक टू दी पेट्रोल पंप जहाँ से मैंने पेट्रोल भरवाया था, मैं वहाँ पे भी जाके चेक किया, उसने बोला नहीं, बट लेटर ऑन वहाँ से आने के बाद जब मैं वीडियोस फुटेज देख रहा था तब आई रियलाइज्ड कि नहीं ये तो यहाँ पे हुआ है, तो पेट्रोल पंप जाना वैसे भी फायदा नहीं था, फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे इससे पहले जहाँ पे गाड़ी रुका था वहाँ पे सब जाके चेक किया, बट था नहीं वो, तो तब तक वो ऑलरेडी गायब हो चुका था, तो अब कुछ कर नहीं सकते इसका हम लोग, तो जो हो गया सो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे वापस घर गया, आई ड्रॉप द प्लान, और फिर आज कल के लिए मैं प्लान करूंगा, आज 3rd है, कल 4th जुलाई है, 4th जुलाई मैं वापस निकलूंगा, तो आज के दिन मैं बस यहाँ पे रोक दिया और यहाँ से फिर मैं गया और नए ग्लव्स खरीदे, अभी मैं उसका वीडियो आगे अटैच कर रहा हूँ आप वो देख लो। तो ये देखो ये पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस के जस्ट आगे, ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस जैसे ये पासपोर्ट ऑफिस है तो ये आके ये है अपना शॉप LS2 करके जो है, ये ऐसे गूगल में सब अवेलेबल तो है आपको लोकेशन देखने के लिए, सब मिल जाएगा आराम से।
और ये आगे राइट साइड में है उर्वशी थिएटर। तो यहाँ पे मुझे कल सही में अच्छा लगा, बंदे ने ट्रीट भी अच्छा किया और प्राइसिंग वाइजिंग भी सही दिया। तो यहीं पे चलता है, जो होगा होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे मतलब वैरायटीज अच्छी है, जैकेट्स भी देख सकते हो आप, फीमेल मेल, मेल तो ऑब्वियसली नॉर्मल है बट फीमेल बहुत कम कलेक्शन मिलता है, बट इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है फीमेल का भी। और हेलमेट्स देख सकते हो, और फिर बूट्स, बूट्स की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, टैंक बैग्स, टेल बैग्स वहाँ पे हैं, और यहाँ पे थर्मल लाइनर, टी शर्ट्स, बहुत सारे स्टिकर्स, ये सब चीज़ें अच्छा वैसे है। बट मैंने अभी चूज़ किया है राइनॉक्स का ये वाला, बिकॉज़ मेरा जो जैकेट है वो अर्बन एक्स है तो उस पर सूट कर जाएगी, फॉर दैट रीज़न मैंने राइनॉक्स का ही ग्लव्स देख लिया। सुबह सुबह में फटका, क्या कर सकते हैं, अब करना था तो करना था। मैंने देखा फुल गॉन्टलेट बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब लिटरली यहाँ तक आ रहा है, ठीक है यहाँ तक, इतना बड़ा लेके क्या करूँ गाड़ी पे, मतलब गाड़ी से बड़ी तो वो ग्लव्स ही लगेगी। तो सर ऑलमोस्ट ऑल सब चीज़ मिल जाएगी आपको, सब चीज़ मिल जाएगी। इनका एक और बगल में दुकान है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे सब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल जो लाइट्स होते हैं सब होते हैं, मॉडिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये, और फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, अभी मैं यहीं पे करता हूँ वीडियो को एंड। स्टे सेफ एंड राइड सेफ, और अपना ख्याल रखिए, आराम से रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, और मेरे जैसा काम कोई ना करे, एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।